हेलो, नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन नॉलिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए हरियाणा एसटेट का रिजल्ट जल्दी घोषित होने वाला है। तो कितने परसेंट गलत थे हरियाणा एसटेट में और आपको कितने ग्रेस मार्क मिलने वाले हैं, ये जानकारी आपको भी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। हरियाणा स्टेट कितने मार्क्स ग्रेस मार्क मिलेंगे TGT, PGT और PRT। ठीक है, तो आपको बता दें, पासिंग मार्क्स हरियाणा स्टेट में जनरल 90 नंबर, OBC 90 नंबर, SC ST 83 नंबर और फिजिकल हैंडीकैप्ड 83 नंबर पर पास किए जाते हैं। ठीक है, वहीं आप PRT की बात करते हैं, आपको बता दें कि हरियाणा स्टेट 2019 में PRT के दो सवाल गलत पाए गए, जिसके कारण सभी को दो नंबर का फायदा होगा। अगर आपके जर्नल में 88 मार्क्स हैं, अगर आपके जर्नल में 88 मार्क्स हैं तो आप पास मान जाओगे। अगर आपके OBC में भी 88 है तो भी आप पास माने जाओगे। अगर आप SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपके 81 मार्क्स आ गए और आपको दो मार्क्स अलग से दिए जाएंगे तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, फिजिकल हैंडीकैप में भी आपको दो नंबर का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके इसमें भी 81 मार्क्स हैं तो भी आप पास हो जाओगे। आगे हम चलते हैं, हरियाणा स्टेट आपको बता दे कि हरियाणा स्टेट का जो TGT, ठीक है, TGT वालों को TGT सामाजिक में एक नंबर, एक मार्क्स का फायदा होता दिखाई दे रहा है आपको, एक मार्क्स का। ठीक है, अगर आपको 89 मार्क्स है जनरल वालों, तो एक नंबर ये मिल जाएगा, आपके 90 हो जाएंगे और आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, TGT गणित में दो सवाल गलत थे, उसके दो अंक आपको मिलेंगे। TGT विज्ञान में 1% गलत था, उसका एक अंक आपको मिलेगा। ठीक है, और TGT अंग्रेजी जिसमें दो सवाल गलत थे लेकिन उनका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने उनको गलत नहीं माना है लेकिन वे सवाल गलत थे। आपको बता दें, PGT की तरफ अगर देखा जाए तो PGT हिंदी में तीन सवाल गलत, वहीं PGT इतिहास में एक सवाल गलत पाएगा जिनका मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, इसमें तीन नंबर मिलेंगे हिंदी वाले में और इसमें एक नंबर मिलेगा। ठीक है, और आपका रिजल्ट भी दिखा देते हैं, और रिजल्ट डेट 7 मार्च 2019 है, 5 बजे, ये संभाविक तारीख है। जैसा हमें बोर्ड की तरफ से बताया गया कि 7 मार्च को आपका रिजल्ट 5 बजे आ जाएगा, वैसे ही हमने वीडियो बना के आपको बता दिया। जैसे ही रिजल्ट आता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर करवाऊंगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।